तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने फ़ोन किसी भी एंड्रॉयड के, आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसकी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। वीवो ओप्पो में बेसिकली फ़ोन के साथ आता है। आप अगर आपके पास कोई सा दूसरी कंपनी का फ़ोन है तो आप उस फ़ोन में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, और ब्राउजर कोई सा ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। उस ब्राउजर में आपको गूगल में सर्च करना है ड्यू। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रू स्क्रीन स्क्रीन और APK मोंग पे क्लिक कर APK MONG आप देख सकते हो। इस तरह आपको सर्च करना है, उसके बाद क्या करना है आप देख सकते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम दिखता होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आइए और डाउनलोड APK पर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोडिंग लिखा आएगा, ये 17 MB का है, और डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए तो ये डाउनलोड आपके फ़ोन में हो जाए। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए डाउनलोड हमारा होना शुरू हो गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आगे की स्टेप क्या करना है वो भी आप वीडियो को देख के समझ सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हर एक अपडेट्स हमारे चैनल पर पा सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। नेटवर्क बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे स्पीड अच्छी है, नेटवर्क ही मिल जाती है यहाँ पे। बस 10 सेकंड में हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देखो तो फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। आप इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए, इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए तो ये फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। आगे की स्टेप क्या करनी है मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए साथ में, लाइक नहीं किया है वीडियो अभी तक तो लाइक कर दीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग द इंस्टॉल एप्लीकेशन डी रिकॉर्डर। आप देख सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। उसके बाद ओपन करने के बाद डायरेक्टली कुछ इस तरह का आपको शो होगा। तो यहाँ पर सेटिंग में चल के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग में क्वालिटी कर लेना है। रिकॉर्ड आईडी पर क्लिक करके वीडियो लोकेशन जहाँ पे वीडियो आपका शेयर सेव होगा। उसके बाद इसको अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, इसका सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप आपको नीचे किसी भी एंगल डिस्प्ले एंगल पे ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा, देख लीजिए ये वाला आइकॉन, ठीक है ये आइकॉन है। आप इसको डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे जो रेड वाला ये गोल वाला बटन है इसको दबा के आप डायरेक्टली इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये आपके गैलरी या फाइल में सेव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।